हाय एवरीवन, दिस इज शारदा। वेलकम टू द चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो टुडेज टॉपिक, एज वी नो दैट वी हैव डिस्कस्ड द नोटिफिकेशन, वी हैव डिस्कस्ड द लाइव डेमो ऑफ हाउ टू फिल ए ऑनलाइन फॉर्म ऑफ SBI क्लर्क, एंड नाउ द टर्म द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट विल मोटिवेट मेनी स्टूडेंट्स टू डू अ हार्ड वर्क, एंड दैट इज SBI क्लर्क सैलरी। What will be the SBI clerk salary in 2021 after the 11th bipedal settlement? So let's start the session without wasting any time. So let's start it. So basic salary, जैसा कि आपको पता है कि SBI में दो increment आपको add करके मिलते हैं, यानी कि एडवांस में मिलते हैं। तो 19,900 रुपीज़ ये बेसिक सैलरी होगी, जो कि ऑल ओवर इंडिया SBI क्लर्क को सेम सैलरी होगी। मतलब SBI क्लर्क ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो, SBI क्लर्क की जो बेसिक पे है दैट विल बी सेम फॉर एवरी SBI क्लर्क ऑल ओवर द इंडिया। ओके, नाउ कम टू द DA पार्ट। तो DA जो है वो उसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है। ओके, ईयर टू ईयर, डे टू डे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर वो जो DA होता है वो बेसिक पे का सम टाइप ऑफ परसेंटेज होता है। वो यानी कि जैसे अभी 19,900 है, उसको उसका जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 26% or 27% ये DA चल रहा है। तो 19,900 का 26% है, या इन फ्यूचर दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय मे बी 30%। सो वी हैव टू कैलकुलेट द 30% ऑफ बेसिक पे, दैट इज 30% ऑफ 19,900। तो 30% यानी कि इंक्रीज होता जाएगा, या फिर उसके ऊपर लेंगे, यानी कि DA जो होता है दैट इज नथिंग बट 19,900 का 26% या 30% ऐसे कैलकुलेट करके हम वो DA निकालते हैं। तो DA ये आपका बढ़ते जाएगा, इतना फिक्स होगा ये नहीं है, ये DA बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये अभी, और ये क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता है, यानी कि जो परसेंटेज होता है DA होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे 3 महीने में होगा। जैसे अभी 3 महीने में 25% है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में इट विल बी मे बी 26%, क्योंकि कम तो होगा नहीं, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो आपका DA भी क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। थ्री मंथ ऐसे करके क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो फिर आता है HRA। तो HRA का पार्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द SBI क्लर्क के जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कैंडिडेट होते हैं, उनको क्या होता है, जैसे मेट्रो सिटी एट नाउ, मतलब अभी तो है जो है, अभी हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो SBI क्लर्क में सिलेक्टेड हो गए हैं, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन मेट्रो सिटी लाइक मुंबई। तो वहाँ पे उनको एकोमोडेशन फैसिलिटी मिल रही है, दे गेट द क्वार्टर्स। तो उनको क्वार्टर्स मिल रहा है, जो कि अगर आप बाहर मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में अगर आपको घर लेना रहेगा तो उनको वहाँ पे रेंट ज़्यादा ही होगा, लोकेलिटी बेस्ड होता है वो भी, 5,000-10,000। ठीक है, तो उनको HRA, मतलब अगर क्वार्टर फैसिलिटी आपको देता है तो HRA आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर नहीं है, वैसे भी SBI क्लर्क की पोस्टिंग जो स्टार्टिंग में होती है वो होम टाउन में नहीं होती है, वो आउट ऑफ द होम टाउन होती है। मतलब कहीं पे भी आपको वो पोस्टिंग देंगे जहाँ पे आपका घर नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे रेंट पे घर लेना पड़ता है। तो उसके लिए HRA फैसिलिटी दी गई है वहाँ पे, ये 2000, ये भी डिफर करेगा सिटी टू सिटी। जैसे कि अर्बन एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे अलग होगा, रूरल एरिया में वहाँ पे अलग होगा, और मेट्रो सिटी है वहाँ पे अलग होगा। मतलब HRA डिफर करेगा, लेकिन जो फिक्स है इन सब में, जो भी मतलब अमाउंट दिया गया है, जो भी आपको अलाउंसेस है या DA है या HRA है, वो सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो बेसिक पे है दैट वन थिंग विल बी द सेम। ओके, नाउ कम टू द स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, वो इतना कैलकुलेट करके दिखाया आपको, मतलब दिया है वहाँ पे। फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, फिर वहाँ पे अगेन स्पेशल पे न्यू अलाउंसेस, ऐसे बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं। और जैसे कि न्यूज़पेपर, ये तो एडिशनल है, मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये उस कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा तो बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत से फैसिलिटी मिलती है जो कि SBI आपको प्रोवाइड करती है, तो वो हम आगे देखेंगे। फिर ये तो हो गया, मतलब इतना तो है, मतलब ये आपके बैंक अकाउंट में इतना आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि यूनियन सब्सक्रिप्शन होता है, ओके, ये आ जाएगा टोटल, यानी कि ग्रॉस सैलरी आ जाएगी आपकी इतनी। उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल टैक्स होता है, जहाँ कि आपको यहाँ पे दिखाया गया कि प्रोफेशनल जो टैक्स होता है वो 200 का है। यूनियन सब्सक्रिप्शन में भी ये मैंने मैक्स 100 लिया है, वैसे तो 50-60-70 ऐसे होता है, वो डिफर करता है, मतलब दैट विल बी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, तो प्रोफेशनल टैक्स 200 हो गया, यूनियन सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 100 मैक्स लिया है मैंने, और जो कंट्रीब्यूशन है वो PF में जो आप पैसा फंड करते हैं वो भी डिडक्ट हो जाएगा, तो वो कितना है, अब ये भी अमाउंट जो है वो डिफर करेगा, 2575। ये मेरे एक फ्रेंड थे, तो उनका मैंने जो सैलरी रिसिप्ट था उसके ऊपर से मैंने ये लिखा है, लेकिन ये क्या होगा, अमाउंट डिफर करेगा। तो ये आ गया हमारा डिडक्शन, ठीक है, और ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके लिखा है कि ये ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी इतना हो गया। अब इन सबको आप ऐड करके देख लीजिएगा, इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो 32,706.81 पैसे इतना आ जाएगा, ये ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी। उसमें से हम ये डिडक्ट करेंगे कौन सा, प्रोफेशनल टैक्स, यूनियन सब्सक्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन टू जो PF है, ये इतना अमाउंट अगर हम डिडक्ट करते हैं 2875, तो नेट सैलरी कितनी आ जाएगी हमारी, 29,831.81 पैसा इतना हमारा नेट सैलरी हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अभी हमको और कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है जो कि SBI प्रोवाइड करती है अपने इम्प्लॉयज को? तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की आपको छुट्टी है, आप बाहर जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो आप, तो उनको आपको मंथली बेसिस पे ये 360 का मंथली बेसिस आपको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है। न्यूज़पेपर अलाउंसेस भी मिलता है, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है नीचे ताकि मैं भूल ना जाऊँ, एक कोई भी पॉइंट मैं मिस नहीं करना चाहती इसमें। तो न्यूज़पेपर अलाउंसेस मिलता है, आप कोई भी न्यूज़पेपर खरीदे या ना खरीदे, आप 2 रुपये का न्यूज़पेपर खरीदे, आप 10 रुपये का न्यूज़पेपर खरीदे, दैट डजेंट मैटर, वो आपको एक फिक्स अमाउंट दैट इज 360 रुपीज़ ये मंथली आपको अपने एम्प्लॉयज़ को SBI देगा ही देगा, ठीक है। पेट्रोल अलाउंसेस, अब पेट्रोल अलाउंसेस आपके पास अगर गाड़ी है, अगर आपके पास 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर है, आपका आप उसका यूज़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अगर पेट्रोल अलाउंसेस आपके पास व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको लेना है, तो क्या करेंगे वो SBI जो क्या करती है कि 20 लीटर के हिसाब से आपको वो अमाउंट देती है। सपोज एट प्रेजेंट अगर 90 उसका रेट चल रहा है पर लीटर, तो 20 × 90 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर वो 100 होता है तो 20 × 100 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी कि 20 लीटर का जितना भी अमाउंट होता है उतना अमाउंट SBI अपने इम्प्लॉयज़ को देती है। तो यहाँ पे मैंने 90 अप्रॉक्स लिखा है, तो 20 लीटर के हिसाब से अगर 90 भी पर लीटर है तो 1800 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे ईयरली मेडिकल अलाउंसेस देती है अपने इम्प्लॉयज के लिए, अगर उनकी तबियत, उनकी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यू कैन से लाइक दैट। तो ईयरली मेडिकल अलाउंसेस कितना होता है, 2355 आप अप्रॉक्स उसको 2400 मान लीजिए, यानी कि 2400 मान लीजिए, तो उसके हिसाब से अगर 12 से डिवाइड करते हो आप, अगर ये ईयरली है 2400 अगर 12 से डिवाइड करते हो तो 200 रुपया पर मंथ आपको ऐसे ही मिल जाता है मेडिकल अलाउंसेस। फिर उसके बाद में अगर सैटरडे संडे आप कभी एक्स्ट्रा काम करते हो, सैटरडे संडे अगर बैंक में आप एक्स्ट्रा काम करते हो वहां पे, तो उस दिन एक दिन के हिसाब से आपको 1500 पर डे ऐसा SBI पे करता है। यानी कि एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो सैटरडे या संडे, कभी इमरजेंसी में गए और आपने काम किया, तो 1500 रुपये आपको वो एक दिन का देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लीनिंग अलाउंसेस देते हैं, जो आपके हाउसकीपर्स होते हैं, जो मेड्स होती है, उनके लिए भी मतलब क्लीनिंग अलाउंसेस भी देती है। फिर उसके बाद 3-4 साल में एक बार आपको फर्नीचर के लिए भी पैसा देती है, 1-2 लाख, वो अभी डिफर करेगा अमाउंट कि आपकी आप कौन सी पोस्ट पे, आप क्लर्क पे हो, आप ऑफिसर स्केल 1 पे हो, 2 पे हो, दैट विल बी डिफर फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट, ओके। तो क्लीनिंग अलाउंसेस मिलता है, उसके बाद 2-3 साल में फर्नीचर अलाउंसेस मिलता है। फिर आपको घूमने के लिए आप जब बाहर जाते हो, फैमिली ट्रिप भी मिलती है, तो 1 साल में या 2 साल में, अब वो भी डिफर करेगा कि आप कौन सी ब्रांच में हो, ठीक है, और वो ब्रांच के मैनेजर जो है वो कितने एक्टिव है, तो वो अपने एम्प्लॉय का कितना ध्यान रखते हैं, वो भी डिफर करेगा। तो घूमने के लिए, फैमिली को घूमने के लिए भी आप लेके जा सकते हो, उनको बिलिंग ला के दे देंगे, फिर वो आपको अपना मतलब SBI आपको पे करेगा, ठीक है, वो SBI की तरफ से होता है। फैमिली को घुमाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो SBI देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है, आप ऑब्वियसली उस बैंक के इम्प्लॉयज़ है तो आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो देगा ही वो उसमें। तो ये थी सारी SBI क्लर्क की फैसिलिटी जो SBI देता है। इसके अलावा बहुत से पर्क्स होते हैं जो SBI अपने इम्प्लॉयज़ को देता है, और वैसे भी अगर फैसिलिटी कम भी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है तो गवर्नमेंट जॉब है ये, और टाइमिंग वगैरह भी अच्छा है, 10 से 4 या 5 मैक्स आपके लिए काम करना है, तो अच्छी सैलरी है, अच्छा है सब कुछ, और मोस्ट जो होता है जैसे कि आपकी एक रिस्पेक्ट बनी रहती है एक सोसाइटी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में आता है। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, यहाँ पे ये आ गया 720, ये आ गया 1800 और 720 कितना आ जाएगा अगर आप देखोगे इसमें, तो 7 और 8 कितना होगा, 25, यानी कि 2520 इसमें ऐड कर लीजिए आप फिर से। फिर उसके बाद में 2355 ये आ गया 200, अगेन ये वाला 200 ऐड कर लीजिए उसके अंदर आप, फिर उसके अंदर 1500, वो अभी आपके ऊपर बेस्ड होता है कि आप करते हो या नहीं करते हो, अगर नहीं भी करते हो अगर उसको डिडक्ट भी करेंगे तो हम लोग ये कितना आ जाएगा 2720 उसको अंदर ऐड कर लेंगे, यानी कि 29800 था, फिर आप उसके अंदर 2700 यानी कि अप्रॉक्स 3000 ले लीजिए, यानी कि 32-33 मतलब इतना हो ही जाता है सैलरी। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया है कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये पेंशन फंड क्या होता है, पेंशन फंड यानी कि अगर आपसे डिडक्ट करते हैं, पेंशन फंड स्कीम है वो गवर्नमेंट की, उसके अंदर आपने जितना अमाउंट पे किया, जैसे यहाँ पे 2575 है, ये आप मंथली डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से, ठीक है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो 2575 ये जो पेंशन फंड है जो आपसे डिडक्ट करा लिया जाएगा, इतना ही अमाउंट SBI भी आपको देगी, ठीक है। आपने जितना अमाउंट पेंशन के लिए आपके आपकी सैलरी में से कटा है उतना ही अमाउंट, इक्वल अमाउंट SBI भी ऐड करके देगी, लेकिन ये आपको रिटायरमेंट के टाइम में इतना मिल जाएगा। तो अगर आप सोचो तो ये 2575 क्या है, ये आपकी सेविंग है, दैट इज़ अ मंथली सेविंग। तो 2575 यानी कि 2500 अगर आप दे रहे हो, 2500 बैंक आपको दे रही है मतलब अप्रॉक्स, तो क्या हो जाएगा, ये 5000 हो गए, ठीक है, मंथली सेविंग ही हो रही है ना वो आपकी, आपको रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा वो। तो 5000 अगर आप इसके अंदर ऐड करते हो तो ये कितना हो गया था हमारा, अप्रॉक्स 32 हो गया था यहाँ पे, 29, फिर यहाँ पे 27 अगर आप ऐड करोगे अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 1, 5, 7, 15, 30,
देखिए यहाँ पे 32551 इतना आ रहा है आपका अमाउंट। अगर इसके अंदर आप 5000 ऐड करते हो, यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए 5000 अगर ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 37551। मतलब बहुत सारी फैसिलिटी देती है बैंक आपको, ठीक है 37551। तो पेंडेमिक है, अच्छा है टाइम, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, घर पर रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।